पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएम नीतीश का स्टीमर पिलर से टकरा गया है। जेपी सेतु के पिलर से टकराया स्टीमर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हल्की चोटें आई हैं। छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान यह हादसा हुआ और पिलर में टकराने की वजह से स्टीमर अनियंत्रित हो गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जेपी सेतु के पिलर से टकराया है स्टीमर। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है, सीएम नीतीश कुमार को हल्की चोटें आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। छठ पूजा की तैयारियां कैसी है घाटों को लेकर, छठ पूजा घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जेपी सेतु के पिलर से टकराया है स्टीमर। हल्की फुल्की चोटें आई हैं सीएम नीतीश कुमार को, ये कहा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जेपी सेतु के पिलर से टकराया है स्टीमर। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराने पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है, चूंकि छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, इस दौरान स्टीमर पिलर से टकरा गया है और हल्की चोटें बताई जा रही है सीएम नीतीश कुमार को आई है। जेपी सेतु के पिलर से टकराया है स्टीमर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आई है हल्की चोटें। तो छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान यह हादसा हुआ है, पिलर में टकराने की वजह से स्टीमर अनियंत्रित हो गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हल्की चोटें आई है। छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है, क्योंकि छठ पर्व करीब है, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार खुद निकले जायजा लेने के लिए, दिशा निर्देश देते हुए देखी गए। लेकिन ये बड़ी खबर पटना से इस वक्त आ रही है कि सीएम नीतीश का स्टीमर पिलर से टकराया, जिस वजह से सीएम नीतीश कुमार को हल्की चोटें भी आई है, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे। तो दूसरे स्टीमर से सीएम नीतीश कुमार को रवाना किया गया है, ये भी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दे रहे थे वो, जिस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो स्टीमर है वो टकराया है और दूसरे स्टीमर से रवाना हुए हैं सीएम नीतीश कुमार, ये जानकारी सामने आ रही है। हल्की चोटें उनको आई है इस दौरान। जेपी सेतु के पिलर से टकराया है ये स्टीमर, ये बड़ी खबर। जेपी सेतु के पिलर से टकराया सीएम का स्टीमर, हालांकि दूसरे स्टीमर में बैठकर उनको रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हल्की चोटें भी आई हैं। दरअसल छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार, जायजा ले रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान ये बड़ा अपडेट निकलकर अब सामने आ रहा है कि दूसरे स्टीमर से उनको रवाना किया गया है, हल्की चोटें भी आई हैं इस दौरान। तो बड़ी और अहम जानकारी और साथ ही तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं उसी दौरान की तस्वीरें, जब वो जायजा ले रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवजीत, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो छठ घाटों की जो निरीक्षण करने के लिए निकले थे, इसी के बीच या जेपी सेतु के पास एक घटना घटी है कि जो स्टीमर है वो टकरा गई है। देखिए, ज्यादा कह लीजिए कि कोई हताहत वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके जो सुरक्षा के नियम जो होते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक चूक हो सकती है, हुई है। लिहाजा जिस तरीके से जो स्टीमर है जो टकराए हैं, तो चूंकि बिहार में छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और काफी कम वक्त अब रह गया है, लेकिन जो गंगा का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है। हर जो घाट है वहां पर एक तरीके से जो पूर्व की स्थिति रहती थी पानी की, वो आज के दिन में काफी अधिक है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई इस तरह की ये बताइए, कहा जा रहा है कि हल्की चोटें भी आई है सीएम नीतीश कुमार को और दूसरे स्टीमर से उनको रवाना किया गया है, फिलहाल की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, स्टीमर टकराने के बाद चूंकि जो स्टीमर था वो थोड़े बहुत कदे क्षतिग्रस्त हुए, उसके बाद उनको दूसरे स्टीमर से जो कार्य था, निरीक्षण का जो कार्य था वो करने के लिए आगे बढ़े हैं। आप समझ सकते हैं कि पानी में जब कोई भी स्टीमर टकराएगा तो चोटें तो आएगी। हाँ, ये कहिए कि एक अच्छी बात यह है कि ज्यादा चोटें नहीं है, मामूली कह लीजिए कि चोट है, और अभी वो निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है विभिन्न घाटों को निरीक्षण करते हुए। जो स्टीमर था वो वहीं जेपी सेतु के पास छोड़ करके दूसरे स्टीमर से आगे बढ़े हैं वो निरीक्षण करने को लेकर। नवजीत, अनियंत्रित हो गया था स्टीमर, क्या कुछ वजह रही थी? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो तमाम जानकारी नवजीत साझा कर रहे थे। नवजीत, आपका शुक्रिया, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिलर में टकराने की वजह से स्टीमर अनियंत्रित हो गया था, हल्की चोटें आई हैं सीएम नीतीश कुमार को, ये जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल दूसरे स्टीमर से उनको रवाना किया गया है, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए सीएम नीतीश कुमार खुद निकले, निरीक्षण करते हुए देखने को मिला,
इससे पहले हमने आपको अपडेट दिया था जहां पर वो निरीक्षण भी कर रहे थे, निर्देश भी दे रहे थे। चलिए बात करेंगे नाइजीरिया में भारी बाढ़ से अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है, पूरे देश में तेल की सप्लाई ठप पड़ी है।